हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम जो टॉपिक रीड करने जा रहे हैं वो है आपका रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या होता है। सो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा क्या होता है, जब हमने फर्म अपनी बंद करनी होती है तब हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, जब हमने फर्म बंद करनी है तो जो हमारे पास एसेट्स हैं उनको पे करके हम क्या करेंगे, जो लाइबिलिटी है वो अपनी पे कर देंगे। मान लो मैंने किसी पर्सन की पेमेंट देनी है, बट मेरे पास अभी पेमेंट देने को है ही नहीं, फर्म बंद कर रही हूँ, पेमेंट मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास मान लो कोई फर्नीचर है, कोई मशीनरी है, तो मैं उसे सेल करके जितनी पेमेंट पे करनी होगी मैं उसे पे कर दूंगी। लेट्स देखो, मान लो मेरे पास ये बैलेंस शीट है, आपको पता है बैलेंस शीट तो आपने प्रिपेयर की है, ये हमारे पास कौन सी साइड होती है, लाइबिलिटी साइड, और ये हमारे पास कौन सी साइड होती है, एसेट साइड। तो अगर हमारी फर्म कंटिन्यू रहती है तो ये हमारे पास लाइबिलिटी साइड ही रहेगी और ये हमारे पास एसेट साइड ही रहेगी। बट अगर हमारी फर्म कंटिन्यू नहीं रह रही, फर्म हमारी बंद हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो एसेट्स है उनको पे कर देंगे। मीन्स किस साइड पे ले आएंगे, डेबिट साइड, और जो लाइबिलिटी है उनको पे कर देंगे किस साइड पे ले आएंगे, क्रेडिट साइड। फिर जो फर्म का प्रॉफिट होगा या लॉस होगा हम उसके इतिहास के पार्टनर को अमाउंट पे करेंगे। सो लिसन अगेन बता रही हूँ, हमारे पास फर्म में क्या होती है, लाइबिलिटीज होती हैं एंड एसेट्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जब फर्म बंद कर रहे हैं तो लाइबिलिटी पे करनी है हमने, तो हम क्या करेंगे, अपनी एसेट्स को सेल कर देंगे और लाइबिलिटी को हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। अगर हमारे पास तो इसकी जनरल एंट्री पास करनी हो तो वो भी बता देती हूँ, एसेट्स अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब कि हमने क्या किया, जो हमारे पास कैश है हम क्या कर देंगे, वो पे कर देंगे, लाइबिलिटी हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। सो अब नेक्स्ट, आई होप आपके पॉइंट समझ आ गया हो। तो अब आगे चले, हम जो आगे चल रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसमें में हम क्या करेंगे, जो एसेट्स है हमारी हम सेल कर देंगे और जो लाइबिलिटीज है हमारी वो क्या कर देंगे, हम पे कर देंगे। तो अब देखो, अब मेरे पास फर्म में जो एसेट्स है, स्टॉक है, जो भी आपको बैलेंस शीट में गिवन होगा, बैलेंस शीट में जो भी आपको एसेट साइड गिवन है, तो आप उसको किस साइड पे ले आओगे, लाइबिलिटी साइड। स्टॉक हमारे पास एसेट साइड होता है, कहाँ ले आए, लाइबिलिटी साइड। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड, फिर कहाँ पे आएगी, हमारे पास लाइबिलिटी साइड। मीन्स हमने उसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना है। एसेट हमारे पास किस साइड पे आ जाएंगी, डेबिट साइड पर, और जो लाइबिलिटी है वो किस साइड पे आ जाएंगी, क्रेडिट साइड पर। अब नेक्स्ट, अब हमने जो इनको तो आपस में क्रॉस कर लिया, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इसमें हमने क्या करना है, जो लाइबिलिटीज है वो पे ऑफ करनी है ना, उसे कैसे पे करेंगे, फर्म की अदर लाइबिलिटीज भी होती हैं, जैसे मान लो एक्सपेंसेस हैं। अब एक्सपेंसेस हैं तो हमारे पास एक्सपेंसेस भी कहाँ पे आ जाएंगे, डेबिट। अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करनी है, मान लो कि क्रेडिटर्स पे करने हैं, तो मैंने बोल दिया कि क्रेडिटर्स मैं पे कर दूंगी, तो वो कहाँ पे चले जाएंगे, मेरे अकाउंट में चले जाएंगे, पार्टनर के अकाउंट में चले जाएंगे। नेक्स्ट, अगर फर्म को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी हमारे पास किस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड। वैसे तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है वो पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सो नेक्स्ट, हमारी जो लाइबिलिटी साइड है हम उसको भी देख लें कि इसमें अब हमारे पास ये लाइबिलिटी साइड है, क्यों, क्योंकि जो लाइबिलिटीज है वो हमारे पास किस साइड आ जाएंगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमने पे ऑफ करनी है ना, ठीक है। तो क्रेडिट साइड हमारे पास क्या आ गए, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, प्रोविजन दी होती है डेटर के साथ, डेटर के बाद नीचे दी होती है लेस बैड आउट प्रोविजन, तो वो प्रोविजन आ जाएगी। पॉइंट है हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में भी क्या होता है, हमारे पास जो लाइबिलिटी होती है हमने वो पे करनी होती है, वो भी हमारे पास इस साइड पर आ जाएगी। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट, डेप्रिसिएशन रिजर्व भी हमने रखे होते हैं, तो वो भी हमारे पास इस साइड पर आ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड पर। और इस साइड पर आएगा, अगर कोई भी आपकी एसेट रियलाइज हो रही है, मान लो कोई भी फर्नीचर है, कोई भी डाटा है, किसी भी एसेट की वैल्यू जो है रियलाइज हो रही है, वो भी आपकी किस साइड पर आ जाएगी, क्रेडिट साइड पर। और कोई भी एसेट पार्टनर टेक ऑन ओवर कर रहा है, तो वो भी किस साइड पर आ जाएगी, आपके पास क्रेडिट साइड पर। मीन्स पूरा कहने का जो
एक आपका परफॉर्मा, परफॉर्मा इस अकॉर्डिंग है आपका कि जो भी आपको बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन है तो वो तो क्या हो जाएंगी, क्रॉस हो जाएंगी। जो लाइबिलिटीज है वो किस साइड पर आ जाएंगी, करंट साइड पर, और जो एसेट्स है वो किस साइड पर आ जाएंगी, डेबिट साइड पर। अदरवाइज नेक्स्ट जो वो डेटर, जो मान लो आपकी लाइबिलिटी रिलाइज हो रही है, एसेट रिलाइज हो रही है, तो वो अपनी अपनी साइड चली जाएंगे। मान लो एसेट रिलाइज हो रही है तो वो एसेट साइड ही आ जाएंगी ना, करंट साइड होती है तो वो साइड पर आ जाएगी अपनी एसेट साइड पर। अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी रिलाइज हो रही है तो वो किस साइड पर आ जाएगी, अपनी डेबिट साइड पर। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपका ये रिलाइजेशन अकाउंट में क्या होती है, सारी एसेट्स क्या और लाइबिलिटीज क्या हो जाती है, रिलाइज होती है, कुछ भी ऐसी आपका पेंडिंग नहीं रहता। तो अब इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो बैलेंस होता है, आपको पता है कि ये वाला बैलेंस होता है हमारे पास क्या होता है, इक्वल आना चाहिए आपके पास ये बैलेंस। ये बैलेंस इक्वल करने के लिए आपके पास या तो यहाँ पर प्रॉफिट बच सकता है या आपके पास यहाँ पर क्या बच सकता है, लॉस। एक बात और ध्यान से याद रखना कि जो क्रेडिटर्स हैं या बिल पेबल है, कई बार हमें जो गिवन होते हैं वो पे नहीं किए होते, पर हमने क्रेडिटर्स और जो बिल पेबल है वो हर बार पे ही करने हैं। मान लो आपके पास जो क्रेडिटर्स आप यहाँ पर राइट कर रहे हो, बट नीचे आपके पास जो एंट्रीज रिकॉर्डेड है, मीन जो एडजस्टमेंट्स हैं, उनमें आपके पास क्रेडिटर्स पे ऑफ नहीं किए, तो आपने क्या करनी है, जो क्रेडिटर्स है यहाँ पर पे ऑफ करने ही करने हैं, फुली पे ऑफ कर दोगे। बिल पेबल है वो भी आप क्या करोगे, फुली पे ऑफ कर दोगे। अगर आपके पास रिलाइज है कि इतने रिलाइज हुए हैं तो उतने ही रिलाइज करोगे, बट अगर आपके पास वो रिलाइज नहीं है तो जितने भी आपके पास गिवन है उतने के उतने आप क्या कर दोगे, उन्हें पे ऑफ कर दोगे। तो इसी अकॉर्डिंग आपके पास रिलाइजेशन का प्रॉफिट भी आ जाएगा और लॉस भी आ जाएगा। तो अब आपका आया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे हम, जो इस साइड पर बैलेंस है आपके पास, जो लॉस है वो भी चला जाएगा इधर और जो प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा इस साइड पर। नेक्स्ट अगर कोई भी ऐसी फ्लाइज हो रही, कोई भी ऐसे पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो वो किस साइड पर चला जाएगा, डेबिट साइड पर। और अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो वो किस साइड पर चला जाएगा, क्रेडिट साइड पर। मीन्स जो कैपिटल अकाउंट है वो इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल हो जाएगा, मीन्स उल्ट हो जाएगा इसका। आई होप कि रिलाइजेशन अकाउंट में आपको कोई भी डाउट ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे मैसेज करना ताकि मैं आपके डाउट्स को क्या कर सकूं, क्लियर कर सकूं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।